हेलो फ्रेंड, kantijain.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पर रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन चिकन चिली, जिसे खाने के बाद आप बार बार खाना चाहेंगे। तो देर किस बात की है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चिकन चिली बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम चिकन। इसे मैंने छोटे छोटे पीसों में कट करा लिया है और मैंने यहाँ लिया एक अंडा। चिकन चिली बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना होगा, तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक चम्मच चिली सॉस, दो चम्मच टमाटो सॉस, दो चम्मच सोया सॉस, हाफ छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, अरारोट चार चम्मच, एक चम्मच सिरका। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च से चिकन चिली का कलर बहुत ही अच्छा आता है। नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर, सिरका, अरारोट। आप चाहते हैं कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं। और साथ ही डालूंगी मैं एक अंडा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया स्प्रिंग अनियन। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन होने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में मैंने लिया है दो कैप्सिकम, इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार, दो चम्मच अरारोट पाउडर। मैंने यहाँ पांच प्याज लिया है जिसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली सॉस तीन चम्मच, सिरका एक चम्मच, रिफाइन ऑयल एक छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर पांच चम्मच, टमाटो सॉस चार से पांच, हरी मिर्च चार चम्मच, सोया सॉस एक छोटी चम्मच, चीनी। और साथ ही मैंने आ लिया है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। मैंने यहाँ है कढ़ाई लिया है। सबसे पहले चिकन को फ्राई करेंगे जिसे मैंने मैरिनेट करके रखा है। अब मैं यहाँ डालूंगी रिफाइन ऑयल, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। रिफाइन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी चिकन के पीसेस को जिसे मैंने मैरिनेट करके रखा है। इसे पलटते हुए 90% कर लेना है। चिकन अब फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी सारे चिकन को भी ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। चिकन सारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं ग्रेवी की तैयारी करती हूँ। मैंने जिसमें चिकन फ्राई किया था उसी बचे हुए तेल में मैं अब ग्रेवी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कटे हुए प्याज,
इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ज्यादा भूनना नहीं है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो बारीक कटे हुए जिंजर गार्लिक डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी 3 से 4 मिनट भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ ग्रीन चिली। मैंने यहाँ ऐड किया है काली मिर्च, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं ऐड करूंगी सिरका, इसे भी एक बार चला लेंगे। अब मैं ऐड करूंगी सोया सॉस, इसे भी 1 मिनट पका लेंगे। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ चिली सॉस, साथ ही में डालूंगी टमाटो सॉस, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ ऐड करूंगी इस घोल को, मैंने इसे अरारोट से बनाया है। अरारोट को मैंने जो मैरिनेशन बचा हुआ था उसमें मैंने घोल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अब इसे पकने देंगे 2 से 3 मिनट। अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ फ्राई किए हुए चिकन को। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, इसे कलर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ डालूंगी कटे हुए कैप्सिकम, साथ ही मैं डालूंगी स्प्रिंग ऑनियन। इसे भी अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चिकन चिली अब रेडी है। अब मैं यहाँ फाइनल टच कर रही हूँ। अब मैं यहाँ डालूंगी ऑनियंस को, इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट करके रखा था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अब मैं आपको उसका प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, चिकन चिली बनकर तैयार है, वो भी बहुत ही कम समय में, और इसका स्वाद भी बहुत ही बेहतरीन है। आप इसे जब चाहें बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें राइस या चपाती के साथ, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Yeah.